खरगोन जिले में गर्भावस्था के दौरान मातृ शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए सनौद रोड स्थित परसाई कॉलोनी में रक्षा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई। हम आपको बता दें कि जिला अस्पताल को ब्लड बैंक में खून की कमी को देखी जा रही थी, ऐसे में समस्या से निजात पाने के साथ साथ लोगों के प्रेरित करने के लिए आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग CHMO डॉक्टर DS सोलंकी ने आयोजन में शामिल होकर बताया कि डिलीवरी के समय मरीज के परिजन खून के लिए इधर उधर भटकते दिखते हैं, ऐसे में शिविर के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया गया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सही कह रहे हैं सर, जब हमको जिस दिन ये खबर मिली कि शासकीय अस्पताल खरगोन में रक्त की कमी है और उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि कृपया आप रक्त दान करें ताकि कई लोगों का जीवन बचाया जा सके, इसी को देखते हुए हमने एक हॉस्पिटल में मुहिम छेड़ी। हमने लोगों से बात की हमारे हॉस्पिटल में कि ये जो रक्त है ये बेसिकली मरीजों को ही चढ़ता है, हमारी फील्ड से लोग जो जुड़े हुए हैं उनको ही इसकी ज़रूरत होती है और रक्तदान एक जीवन दान की तरह है, तो क्यों ना हम लोग हॉस्पिटल के लोग एक ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज़ कराएं। समय समय पर इस टाइप के कैंप को हम ऑर्गेनाइज़ कराएंगे और जितना हो सके हमारी तरफ से हम ब्लड डोनेशन कराने की कोशिश करेंगे। इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे और जितने ज़्यादा लोगों की हो सके हम जान बचाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम डॉक्टर हितेश मुजालदे है और मैं रक्षा हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर का CEO हूँ, डायरेक्टर हूँ और हमने इस हॉस्पिटल के को लेके हॉस्पिटल के सभी लोग, मैं डायरेक्टर हूँ, हमारे एम्प्लॉई से लेकर मुझ तक हम सब लोगों ने बैठ कर डिसाइड किया और सब लोगों ने हामी भरी कि हम सब ब्लड देंगे और हमारे साथियों को भी प्रोत्साहित करेंगे ब्लड डोनेशन के लिए, और इसीलिए हमने उन सभी की मेहनत से ब्लड डोनेशन कैंप हम सफल बनाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।